नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी है, एक नया अपडेट है जो शबनम को बहुत प्यार करते हैं, जिनके मन में शबनम के लिए बहुत सम्मान है। अब आप ये नहीं कहिएगा कि उसने गुनाह किया है, उसने गुनाह किया है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसने गुनाह किया है और उसको उसको अदालत ने सजा भी सुनाई हुई है, लेकिन अब उसकी किस्मत बदलने वाली है क्योंकि देश को एक नई राष्ट्रपति मिली है, द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने झारखंड में भी बतौर राज्यपाल काम किया है और उनका जो कार्यकाल वहाँ था वो महिलाओं के लिए बहुत ही यादगार कार्यकाल रहा। इसलिए शबनम और सलीम के लिए खुशखबरी है कि उनकी भी जो सज़ा है वो शायद उम्र कैद में बदल जाए, शायद उनका फिर से केस रीओपन हो जाए, शायद उनको शायद में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन दोनों पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस का ये चार्ज है कि इन्होंने मास्टर शौकत अली के परिवार का खात्मा किया। मास्टर शौकत अली शबनम के पिताजी, शबनम जिनकी प्रिंसेस थी। अब आप सोचिए कि जिस पिता की वो प्रिंसेस है, हमेशा ये सवाल आता है कि वो अपने पिता को, अपने परिवार को कैसे ख़त्म कर सकती है। लेकिन ठीक है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया उसी के आधार पे फिर अदालतें फैसले करती हैं और उसी फैसले के आधार पे जो अदालतों ने फैसला किया वो ये है कि दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन इसी बीच शबनम की वकील ने राज्यपाल आनंदीबेन को एक अपील की, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उन्होंने अपील की है कि इस केस को रीओपन किया जाए। और आनंदीबेन का बहुत ही अच्छा इस पे रिस्पॉन्स रहा। अब उनकी वकील जो है उनको और आस जगी है कि वो जो देश की नई राष्ट्रपति हैं, जो उस तबके से आती हैं जहाँ महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का उनका मन है, ऐसे में शबनम को भी उनसे, उनके हस्ताक्षर से जीवनदान मिल सकता है। पुलिस ने तो ये कहा कि प्रेमी युगल ने मिलकर के इस काम को किया है, यानी कि मास्टर शौकत अली के परिवार के साथ जो भी कुछ उस रात 2008 की 14-15 की रात को जो कुछ भी घटता है, अप्रैल का महीना था, वो जो कुछ भी घटता है वो इन दोनों ने किया है। अब उस बात पे नजा करके मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल भारतीय क्राइम के इतिहास में ये जो कहानी है शबनम और सलीम की, इसमें काफ़ी सारे झोल हैं। पुलिस ने बताया कि ये प्रेमी युगल है, सलीम कहता है कि मैं इसका प्रेमी नहीं हूँ। सलीम ने ये भी कह दिया है कि जो बच्चा शबनम ने जेल में पैदा किया है वो उसका बच्चा नहीं है, चाहो तो उसका डीएनए टेस्ट करवा लो। वहीं पे शबनम भी ये बार बार कह रही है, शबनम ने अपनी तीन चीज़ें उनकी डिमांड रखी है। उसने कहा है कि उसे मीडिया ट्रायल की इजाज़त दी जाए और सीबीआई की जांच की मांग करी है उसने, और आखिरी उसकी मांग जो है वो है केस को रीओपन करने की, जिसकी शुरुआत उनकी वकील कर चुकी हैं। वो जगह जगह जाकर के गुहार कर रही हैं और नेक्स्ट जो उनका दरवाज़ा है वो राष्ट्रपति का है और उनको ये पूरी उम्मीद है कि उन्हें वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद है।
उनके वकील सहर नकवी बहुत दिनों से लगी हुई हैं शबनम के लिए, सलीम के लिए, और सलीम ने ही इन वकील साहिबा को कहा था कि जो शबनम ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा मेरा नहीं है, मेरा आप चाहिए तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए। खैर, ये सब बातें मैं आपसे कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि शबनम को और उनकी वकील को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्यों उम्मीदें हैं, इसकी एक वजह है। देखिए, जब प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल थी, तो इससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात बताती हूँ। जो महिलाएं होती हैं उनका मन बड़ा कोमल होता है, वो नहीं चाहती कि किसी महिला के साथ कोई ज्यादती हो, भले ही उसने गुनाह किया हो, और गुनाह कोई सोच समझ के नहीं करता है। और ये जो गुनाह जिसके लिए ये लोग जेल में सड़ रहे हैं पिछले 15 साल से, लगभग अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, ऐसे केसेस को प्रतिभा पाटिल ने उनकी सजा को उम्र कैद में बदला, कुछ को उन्होंने रिहाई का आदेश दिया, मतलब करीब 35 ऐसे केसेस थे, 35 कैदियों को उन्होंने उनकी सजा को बदला था। अब ये बात फिर से क्यों सामने आ रही है, क्योंकि अब फिर एक देश को महिला राष्ट्रपति मिली है, द्रौपदी मुर्मू, जो ये उम्मीद की जाती है कि महिलाओं के मामलों में तवज्जो देंगी, दिल से काम करेंगी। क्योंकि जब वो झारखंड की राज्यपाल थी तब भी उन्होंने वहाँ महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया था। और एक बात और है, हमारी जो पूर्व प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी, उन्होंने जिन केसेस के लिए 35 कैदियों की सजा को उम्र कैद में बदला था, उसमें ठीक वैसे केसेस थे, ठीक वैसे ही घटनाक्रम थे जैसे कि शबनम ने और सलीम ने किए हैं, सामूहिक हत्या, अपहरण, बलात्कार, बच्चों की हत्या जैसे मामले। तो इसलिए शबनम भी खुश है नई राष्ट्रपति को लेकर के, और उनकी वकील भी बहुत खुश है। तो मैं समझती हूँ दोस्तों, आप जो मुझे रोज़ कमेंट करते हैं कि शबनम को फांसी नहीं होनी चाहिए, शबनम के बेटे ताज को उसकी माँ का प्यार मिलता रहना चाहिए, तो अब वो समय आ गया है। मैंने इसको लेकर के पहले भी जब राष्ट्रपति के चुनाव होने की बात सामने आई थी तब भी मैंने आपसे ये कहा था, क्योंकि जो आनंदी बहन है ये सोचा जा रहा था कि वो भी राष्ट्रपति की लाइन में है, लेकिन ये सब राजनीतिक चीज़ें होती हैं, उन पर न जा करके अब चूंकि द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हो गई हैं, तो उनसे केवल शबनम ही नहीं, तमाम देश की महिलाओं को उनसे बहुत उम्मीद है। शबनम तो बात हम इसलिए कर रहे हैं कि उसकी वो एक माँ है, वो इसी देश की बेटी है, उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। और तमाम सारे मेरे पास कमेंट आते रहते हैं डेली कि हमें उसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में ये अपडेट साझा कर लूँ। दोस्तों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, और आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।